गली का एक गुंडा पटना में तांडव कर गया। अलग अलग बाइक से आए दादा किस्म के युवकों ने सीमेंट कारोबारी राजेश कुमार और उसके दो भाई शिवम और राजेंद्र को गोली मार दी। राजेश मौके पर ही मर गया, वहीं बेतरह जख्मी शिवम और गजेंद्र को भर्ती कराया गया। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा गया कि पहले थोड़ी देर बहस होती है, उसके बाद एक शख्स गोली चला देता है। थोड़ी देर बाद फायरिंग शुरू हो जाती है, फिर सभी बदमाश बाइक से भाग निकलते हैं। कुछ चश्मदीदों के अनुसार लूटपाट के दरमियान तीनों को गोली मारी गई। मारा गया राजेश एक केस में गवाह भी था। स्थानीय कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि बीती रात 8 से 9 अपराधी बाइक से आए थे। ये लोग सबसे पहले गजेंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में गए और लूटमार शुरू कर दी। प्रतिरोध करने पर गजेंद्र को गोली मार दी। वहीं पर उसका भाई शिवम था, उसे भी गोली मार फरार हो गए। इसके बाद सभी बदमाश शेखपुरा पहुँच कर राजेश की गोली मार कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गोलबंद हुए लोग संदेही गुनाहगार सोनू और मीठू के घरों को फूंक डाला। लोगों के अनुसार राम बाबू का बेटा सोनू इलाके का एक बड़ा गुंडा है, उसने अपना बड़ा गिरोह बना लिया है। ये वारदात पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है।